हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो जी गाइस, हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। और आज नीलम कुछ बन रही है, क्या बन रही है नीलम? आज नीलम का आज करेक्टर है दादी का। तो प्लीज़ आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो आप ऐसे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें। बहू जुगनू बेटा, जुगनू बेटा, पानी लेके आ मेरे। ये लो मम्मी पानी। बेटा कहाँ चले गए थे जुगनू बेटा? भाभी कह रही थी पानी भर दो। भाभी ने खुद भी नहीं ध्यान रखना आता, तुझे भी बुला लेती है। पता है माँ की तबीयत सही नहीं होती। वो आप भाई को बताओ ना, भाभी मेरा ख्याल नहीं रखती। बेटा मैं नहीं चाहती है उसके घर में लड़ाई पड़े। वो तो बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, अब इसको क्या बताऊं मैं? उसको पता नहीं कौन सी दवाई देनी है उसको, मुझे तो पता नहीं। तुझे पता है? मेरे को भी नहीं पता। उस बुला कमबख्त मारी को, खून में घुसी रहती है हर वक्त। बुला के ला के। दादी दादी अम्मी रोटी नहीं बना के दे रही। क्या? अम्मी रोटी नहीं बना के दे रही। तो मैं क्या करूँ, ये कमबख्त मारी मुझे भी नहीं दे के जा रही रोटी, क्या करूँ? बोला दवाई खाली पेट खिला के चली गई। बोलती है मैं खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, बच्चे बेचारे भूखे हैं मेरे, मैं मंगा देती हूँ। तनी क्या हो जाता है माँ जी को, पीछे पड़ जाती है। खाना कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊंगी। एक पानी तक खुद नहीं पी सकती है, अब कब से आवाजें दे रही है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। क्या हो गया आपको? कब से आपने शोर मचाया हुआ है? बहू मैंने कहा शोर मचा, मैं तो कह रही पानी जुगनू आया था, उसको बोला था दवाई दे दो, कह रहा मुझे नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता कौन सी दवाई है, वो डाल दे दो कौन सी खानी है। तो आपने दवाई लेनी थी तो जुगनू को तो पता था, मैंने उसको बता के रखा हुआ कि कौन सी दवाई देनी है आपको। उसको नहीं पता था, देखे मैंने सामने टेबल पे रखी हुई है। अभी पहले कौन सी खानी थी ये नहीं पता था ना। ये लीजिए, मैं फारिक थोड़ी बैठी हुई होती हूँ, घर के और भी कितने सारे काम है वो भी करने होते हैं। मैंने हजार दफा उनको बोला है कि इनको कहीं छोड़ के आ जाए, यहाँ पे शोर डालती रहती है। कहाँ छोड़ के आए? जहाँ ऐसे आप जैसे बूढ़े रहते हैं वहां पे। मैं तो अपने बेटे के पास रहूंगी। तो आप शोर मत मचाया करें। बहू सारा दिन तो फोन में घुसी रहती है, उसके आने का टाइम होता है तो खाना बनाना शुरू कर देती है। वो बच्चियां मुझे आके कहती दादो खाना नहीं खिला, मम्मा रोटी नहीं बना के दे रही। तो जो खाना खाते हैं कहाँ से खाते हैं? मैं बना कर देती हूँ। रो के गई है बच्ची, बच्चों को तो काम ही रोना है। हमारा ससुर भी भूखा जाता है, उसे कभी तो मैं सोई हुई पर उठाई 11-11 बजे तक तो उठती हूँ, बेचारा भूखा जाता है। तो अपनी मर्जी से जाते हैं भूखे? मर्जी से कहाँ जाते हैं, उनको सब कुछ तो पड़ा रहता है किचन में। अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे तुम्हें उठाए। तो आप उठ जाया करें, बूढ़े इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। तंग करके रखती है इन लोगों ने। माँ बाप इतने अरमानों से बच्चों को पालता है, बाद में ये मिलता है कि हम बूढ़े इंसान की भूखा थी। अम्मी रोगों नहीं, भाभी तो वैसे ही है। क्या करे बेटा, मुसीब में जो लिखा हो वही होना है। रो तो नहीं ना? रोती हूँ अपने नसीबों को, ये कमबख्त तुम्हारी हमारी जिंदगी में आके घर का माहौल खराब कर दिया। बच्चे मेरे सर पे आके कहते दादी हमें रोटी नहीं बना के दे रही, मोटा मम्मा रोटी नहीं बना के दे रही। बस मुझे तेरी फिक्र रहती है, बड़ा वजह जल्दी से फिर अपनी मर्जी की बहू लेके आऊंगी। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद था कि आपकी सास ससुर हो तो उनकी इज्जत करें, उनको माँ बाप जैसा समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें।
और उनके साथ मिसबिहेव ना कीजिए, और उनको जैसे आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वैसे ही आपको उनसे भी प्यार करना चाहिए, और इस एज में तो आपको उनका सहारा बनना चाहिए। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। और अच्छी लगी प्लीज तो। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।